माय यूट्यूब चैनल जैपी जर्नी। कैसे हैं आप सब? भाई मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं एक साल बाद ऐसे ब्लॉगिंग करने बैठी हूँ फिर से। बीच में मैंने एक बार ट्राई किया था, बट मुझे कुछ आया नहीं अंदर से फील कि नहीं यार, नहीं मन कर रहा है यार, नहीं हो रहा है मेरे से। तो बट मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से ये सब स्टार्ट किया जाए। आई नो मैं बीच में गायब थी, क्योंकि मैं एक साल से गायब हूँ। तो बीच में मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े कि आर यू डेड, मैं कह नहीं भाई, जिंदा हूँ मैं। ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा है। व्हाट इज न्यू, जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, आपके सामने हूँ। और बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था जॉब के साथ। फुल टाइम जॉब के साथ टाइम मैनेजमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लस ऑल्सो आपके लिए एक नई अपडेट है, नई तो नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी है, कि मैं अभी कानपुर नहीं रहती हूँ, मैं रहती हूँ गुड़गांव। तो आई नो थोड़ा सा हो जाता है, आप जानते ही होंगे कि टाइम नहीं मिल पाता है, और आगे भी मिले ना मिले आई डोंट नो। बट मैं सोचा कि आज टाइम है तो आज बनाते हैं। एक साल में मेरा वेट गेन भी काफ़ी हुआ है। पहले भी मैं कम मोटी नहीं थी, लेकिन इससे मेरा थोड़ा सा और वेट बढ़ गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब एक रूटीन फॉलो करनी चाहिए मुझे। अब काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे यहाँ गुड़गांव आए हुए, मैं भी थोड़ा सा सेटल हो गई हूँ। आई थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो और मैं भी सेटल हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कुछ एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूँ, हेल्दी रूटीन बनाऊँ, प्रॉपर रूटीन बनाऊँ और अपने आप को बेटर बनाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल वाला दिन फॉलो किया। जिम गई मैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाई, आफ्टर पोस्ट वर्कआउट के लिए मैंने स्प्राउट्स खाए, फिर शाम को मैंने ग्रीन टी पी। लेकिन भगवान है ना, कुछ आसानी से तो होने नहीं देते। फिर मेरे दोस्तों का कॉल आ गया कि चलो दिल्ली हाट घूम के आते हैं। तो मैंने कहा यार, मन तो है मेरा जाने का दिल्ली हाट घूमने का, लेकिन यार मैंने आज ही से शुरू किया है कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूं, और आज ही बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं, और फिर मैं पक्का कुछ ना कुछ खाऊंगी। बट फिर मैंने मन बनाया। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं पी रही हूँ ग्रीन टी अपनी, और मुझे जाना है बाहर दिल्ली हाट, और वहाँ पे मुझे कुछ हेल्दी ऑप्शन ढूंढने खाने के लिए, क्योंकि डिनर अपना बाहर ही है आज। वहाँ पे फिर हम लोग पहुँचे दिल्ली हाट। काफ़ी अच्छा बना हुआ है दिल्ली हाट प्रॉपर। वहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें, ज्वेलरीज हैं, एंटीक चीज़ें हैं, और हैंडमेड बैग्स जो होते हैं वो हैं, और पायदान थे वहाँ पे, बड़े क्यूट से पायदान थे। मतलब काफ़ी अच्छा, घूमने के लिए अगर आप जा रहे हो तो आप प्रॉपर एक बढ़िया सा एक नई जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मतलब एंट्री फ़ीस भी काफ़ी सस्ती थी, आई थिंक 20-30 रुपीज़ थी एंट्री फ़ीस वहाँ पर। तो मतलब काफ़ी अच्छा हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, बट वहाँ पे जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी महंगी थी। तो लिया तो हम लोगों ने कुछ नहीं, लेकिन एक्सप्लोर अच्छा किया। फिर आया डिनर का टाइम। डिनर में सबने कुछ ना कुछ, कोई मोमोज खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, कोई मंचूरियन खा रहा है। तो भाई मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या खाऊँ। मैंने तो आज से स्टार्ट किया जिम और एकदम प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, बट मैं आज ही हो जाएगा मेरा कल्याण तो। और फिर मैंने वहाँ पे ऑर्डर किया चिकन सूप, विच इज़ हेल्दी, और मैंने फिर चिकन सूप पिया, और हाँ एक पीस खा लिया था मोमोज का, तो इतना तो चलता है। फिर हम लोग आ गए घर। तो ये थी अपनी कल की जर्नी। होप ये कंटिन्यू रहे आगे भी, क्योंकि आई नो ये एक दिन से तो नहीं होगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना मुझे प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, तब ये पूरा एक रूटीन बनेगा। आई नो, तो ऐसा मैं कोशिश करूँगी पूरी अपनी मेहनत से और फोकस से। आई डोंट नो ये कितना फोकस रहती हूँ मैं, कितना कंसिस्टेंट रहती हूँ, बट जितना भी रहूँगी मैं आपके साथ लॉयल रहूँगी। ओके, तो बस ये थी मेरी अभी तक की जर्नी। तो आई होप आपको मज़ा आया मुझे देख के। नहीं चलते हैं, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए जापी जर्नी।